नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी की सबसे बड़ी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक साथ एक फिल्म में काम किए थे। फिल्म का नाम याद होगा आपको और वो फिल्म थी आशिक, जिसमें खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के रोमांटिक तस्वीरों से लेकर साइको वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। और जिस तरीके से उस गाने का टीजर ट्रेलर जो लॉन्च किया गया उस पर भी लोगों काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। हालांकि इस फिल्म को रिलीज करने का जो डेट था वो कई बार एक्सटेंड किया गया और फाइनली ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही आशिक है तो ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे एक आशिकी के तौर पर दिन को मनाया जाता है। इसी कड़ी में बात करें तो इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, और बड़ी खुशखबरी यह है कि खेसारी लाल यादव के इस फिल्म का पहला गाना रिलीज होने वाला है और उस गाने का नाम होगा मन मगन मगन, जिसमें खेसारी लाल यादव और आम्रपाली सिंह आम्रपाली दुबे नजर आएंगे। और जबरदस्त तरीके का खेसारी लाल यादव का अंदाज इस गाने में नजर आने वाला है। और ये गाना 23 जनवरी को रिलीज होने वाला है, 23 जनवरी को रिलीज होगा। और इस गाने का जो टाइमिंग होगा वह सुबह 7 बजे होगा और इस गाने को इंटरटेन रंगीला पर रिलीज किया जाएगा। दरअसल बात करें तो इंटरटेन रंगीला के फेसबुक अकाउंट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा गया है कि हो जाए शिव मगन में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव संगे फिल्म आशिकी के मन मगन मगन गाना में 23 जनवरी रविवार सुबह 7 बजे देखिए ये गाना इंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर खेसारी और इंटरटेन रंगीला को टैग किया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गाने का कौन सा फॉर्मेट रिलीज होता है। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो ऑडियो फॉर्मेट का है, क्योंकि अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है। तो फिल्म रिलीज से पहले मुझे लगता है कि रेयरली कोई वीडियोज होती है जिस गाने की रिलीज की जाती है। तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि इस गाने का ऑडियो फॉर्मेट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो इस गाने को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का जबरदस्त अंदाज इस गाने में देखने को मिलने वाला है। ये अपडेट था, मुझे लगा बताना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।